आपकी वीडियो जब देखी, मैं आपकी वीडियो से बड़ा मुतासर हुआ, फिर मैंने और भी वीडियो लोगों की देखी, मैं इस चीज़ पे मुतमिन हुआ कि ये 300 रुपये किलो भी आ जाएगा तो उसमें भी नुकसान वाले चांसेस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। देखो जी, मैं इसमें एक तुरी भी नहीं बेचूंगा, इंशाल्लाह सारे का सारा रखूंगा और आगे मेरा 10 एकड़ लगाने का इरादा है। अच्छा, वीडियो में मेरा ख्याल है आपने, मेरा ख्याल है 14 या 15 लाख का सीड लाया था हमारे से। जी जी, इतने का ही था ना? तकरीबन 20 नहीं, बाद में भी आया 20 लाख। जी जी, तो अगर मैं आपको अभी ऑफर वीडियो में कराऊं कि आप हमारे से 40 लाख रुपया ले लें, बात यह है, मैंने 50 ले लें, मेरी बात सुन ले, ईमानदारी की बात है, मेरा दिल है मैं कम अज कम 3 या 4 साल मैं एक तुरी भी नहीं बेचूंगा। नहीं जाएगा नादर भाई, जो गरीब किसान है, मैं अमीर लोगों की बात नहीं करता, जिन्होंने ये कह लें 10 मरले लगानी है, 5 मरले लगानी है, मैं आपके साथ हल्फन वादा करता हूँ, मैं उनको स्टाम्प पेपर लिख के दे देता हूँ, अगर किसी गरीब भाई वो लगाए, अगर किसी भाई गरीब का नुकसान होगा, मैं ईमानदारी से कहता हूँ उसका नुकसान मैं भरूँगा। अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को नादिर अहमद का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, राशिद अंसारी भाई के पास पहुँचे हैं सियालकोट, इन्होंने 4 कनाल का सीड हमारे से लिया था खुशक, और बहुत ही अच्छा सीड हमने अपनी तरफ से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन, और मेरे वाले साहब के भी वो पुराने दरीना दोस्त जो है वो मतलब बिल्कुल इनके दोस्त, उस तरह से पता चला, आए उनको सीड दिया, अब उन्होंने सिटी में उनके पास रखवा है सियालकोट हाजीपुरा में, उसमें उन्होंने इसको काबिले काश लाया, तो आके दिल बहुत खुश हुआ फसल देख के, आम जो ज़रई रकबा है ज़मीनों का गाँव में उससे ये सिटी में बहुत ही अच्छी इनका जो है ना फसल उगी है, बहुत अच्छा उगा हुआ है, बहुत अच्छी जो है ना इसकी ये टेक केयर हेल्थ कर रहे हैं। इनको पूछते हैं कि G1 इन्होंने कैसे लगाया, कैसे पता चला, फिर हमारे पास कैसे आए, आगे कितना लगाने का प्लान है, कितना बेचना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ें इनसे शेयर करते हैं। जी राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम सुनने और चाहने वाले दोस्तों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नादर भाई, मैंने ये नेट पे पहले पिछले साल देखी, बल्कि ये कहने इसी साल फरवरी मार्च में, तो बड़ा आपकी वीडियो जब देखी, मैं आपकी वीडियो से बड़ा मुतासर हुआ, फिर मैंने और भी वीडियो लोगों की देखी, मैं इस चीज़ पे मुतमिन हुआ कि ये 300 रुपये किलो भी आ जाएगा तो उसमें भी नुकसान वाले चांसेस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। देखो, कुदरती आफात एक वो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया उस तरीके से बंदा इसको मेहनत करके काज करे तो उसमें नुकसान नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें डॉक्टर हमायों साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए, और उनके बच्चों के लिए अल्लाह ताला दीनो दुनिया बेहतर करे और आसानियाँ पैदा फरमाए, साथ उनकी टीम के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी क्राप दे दी है, पाकिस्तान का बहुत ज़र मुबादला बचेगा, पाकिस्तान का किसान खुशहाल होगा। तो इस हवाले से जब हम आपसे लेके आए हैं लहसुन बीज लेके आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी तकरीबन 98% जर्मिनेशन हो गई है, और कुछ अगर ख़राब हुए हैं तो कुछ जानवरों की वजह से 1-1.5% जो हमारा वो लहसुन जो है ना वो ख़राब हुआ है, अच्छी खराब है सारे का सारा जीवन गार्ली का। मैं तो इसमें PhD मेरी हो गई है सिर्फ वीडियोज़ देख देख के, कि लोगों की देख देख के इसको, और अब मुझे पता चल गया कि एक भी नहीं है, ये सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जीवन गार्लिक है। जी जी। तो ये 4 एकड़ लगाया, तो अल्लाह का शुक्र है, तो बड़ा दिल खुश हुआ है, और आपके आने का भी बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं, तो मेरा दिल बड़ा हो गया। राशिद भाई, इस दफ़ा तो आपने 4 कनाल लगाया, आपके अल्फाज का शुक्रिया, तो अगले साल आने वाले साल में ये 4 कनाल में से कितना बेचना चाह रहे हैं, कितना सीड रखना चाह रहे हैं, आगे कितना लगाना चाह रहे हैं? नहीं जी, मैं इसमें एक तुरी भी नहीं बेचूंगा, इंशाल्लाह सारे का सारा रखूंगा और आगे मेरा 10 एकड़ लगाने का इरादा है। अल्लाह ने तौफीक की मताकत दी तो ज़्यादा लगाऊंगा, लेकिन 10 एकड़ तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर लगाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, वीडियो में मेरा ख्याल है आपने, मेरा ख्याल है 14 या 15 लाख का सीड लाया था हमारे से। जी जी, इतने का ही था ना? तकरीबन 20 नहीं, बाद में भी आया 20 लाख। जी जी, जी जी। तो अगर मैं आपको अभी ऑफर वीडियो में कराऊं कि आप हमारे से 40 लाख रुपया ले लें, बात यह है, मैंने 50 ले लें, मेरी बात सुन ले, ईमानदारी की बात है, मेरा दिल है मैं कम अज कम 3 या 4 साल मैं एक तुरी भी नहीं बेचूंगा, अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ ठीक है, लेकिन समझ आ रही है कि नहीं इसमें नुकसान नहीं है, तो अगर मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उसका अजर फल देगा। 4 साल मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं कि मैं इसमें से शेयर करूँ।
एक नए किसान को आप क्या मशवरा देंगे, एक गरीब किसान को, एक परदेसी किसी भाई को जो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहे, एक किलो से, एक मरले से, एक कनाल से, वो कैसे शुरू करें? क्या उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा? नादर भाई, जो गरीब किसान है, मैं अमीर लोगों की बात नहीं करता, जिन्होंने यही कह लें 10 मरले लगानी है, 5 मरले लगानी है, मैं आपके साथ हल्फन वादा करता हूँ, मैं उनको स्टाम्प पेपर लिख के दे देता हूँ। अगर किसी गरीब भाई वो लगाए, अगर किसी भाई गरीब का नुकसान होगा, मैं ईमानदारी से कहता हूँ उसका नुकसान मैं भरूँगा। मेहनत उसने करनी है, कुदरत की अफात या उसकी कोई अपनी कमज़ोरी की वजह से ना रह जाए या उसको सीड गलत मिले, सीड उसको जीवन गार्लक ही वो लगाए। अगर उसका गरीब आदमी का नुकसान, उम्मीद की बात नहीं मैं कर रहा, गरीब आदमी का नुकसान हो, मैं स्टाम्प लिख के उसको दे दूंगा कि वो मैं भरूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत हिम्मत दी है कि मैं वो भर लूँगा, क्योंकि इसमें नुकसान के चांसेस ही नहीं है। नहीं दोस्तों, राशिद अंसारी भाई 4 कनाल से 10 एकड़ का ज़मीन बना चुके हैं। ये मैंने आज उनको वीडियो में ऑफ़र की है, हो सकता है वीडियो के बाद मैं इससे भी ज़्यादा ऑफ़र करूं, लेकिन उन्होंने एक तुरी भी नहीं देनी। ये वाजिया जो है ना वीडियो में ही आपको नज़र आ रहा है। वो अगले साल के लिए 10 एकड़ का सीड जो है, 3 एकड़ का तो उनका अपना इस 4 कनाल से हो जाना, बल्कि 3-3.5 एकड़ का हो जाना है, बाकी 5-6 एकड़ का उनको सीड लेना पड़ेगा। और 10 एकड़ अगले साल 80 एकड़ अगले साल बाद 640 एकड़, बहुत दूर जो है तीसरे चौथे साल पे जो है ना वो चली जाती है, और तब जाके 300 रुपये किलो भी हो तो जब बात 1000 एकड़ पे जाए तो फिर अरबों रुपया बनता है, करोड़ों नहीं बनता, और पाकिस्तान की ज़रूरत ही फिर भी नहीं पूरी होगी। 80% हम लहसुन बाहर से मांग के खा रहे हैं और हमारे पास डॉलर नहीं है उस लहसुन का पैसा देने के लिए भी, और जब पाकिस्तान खुद कफील होगा, लहसुन अपने घर का मुकम्मल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इसको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरे मुल्क भी इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसकी डिमांड कर रहे हैं। राशिद भाई के पास आके बहुत अच्छा लगा, उनको सीड दिया, आके अपना दिया हुआ सीड दे के बड़ी दिली खुशी हुई कि इतना अच्छा जो है इसका उगाव है, ज़मीन बहुत अच्छी है, और राशिद भाई ख़ुद बहुत अच्छे इंसान है, बड़े ही नफीस इंसान है, उनको मिलके अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करिएगा, और कोई गरीब जो लगाना चाहता है ऑन द स्पॉट लाइव स्ट्रीमिंग में, राशिद भाई ने वाजिया कहा है कि जो कोई एक कनाल एक मरला लगाने वाला है ना, अगर उसका नुकसान हो गया ना तो वो रबता करके नुकसान का अपना अजाला जो है करवा सकता है। इससे ये साबित होता है कि इसमें नुकसान नहीं है, अगर अल्लाह आपके साथ है तो इसमें एक एकड़ लगा के आप 2-3 करोड़ कमाने से मुझे राशिद भाई को रोक सकता है किसी नहीं, को? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात नादर भाई ये है कि मैंने इसलिए इरादा किया है कम अज़ कम 3-4 साल जाके बेचूँगा, 3 साल इसलिए यार कुछ ना होगा, रोटी तो खाना खा ही रही है ना, पहले अल्लाह ने वो रिजक लिख लिया हुआ है, लेकिन चलो यार अगर हम अपने मुल्क की कुछ खिदमत कर सकें, ये जो ज़रे मुबादला, तो मैं गवर्नमेंट इस तरफ भी तवज्जो नहीं दे रही कि यहाँ से गैर कानूनी तरीके से जो फगानी है ना वो हमारे डॉलर चीज़ें बेच के यहाँ से डॉलर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी वीडियो के हवाले से ये भी गवर्नमेंट को कहूँगा कि खुदारा इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो करें, अपने मुल्क का सोचें। हमारा मुल्क है तो सब कुछ है, हमारा मुल्क है तो हमारा घर है, हमारा मुल्क नहीं तो कुछ है, हमारा मुल्क हमारी बुनियाद है, हमारी शिनाख्त है, तो इसका ज़रूर ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक नीयत के साथ आप लोग लगाएं, अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।